पहुंच रही है या फिर नहीं पहुंच रही है जल्दी से बताइए सभी लोग बता देंगे कि आवाज हमारी आप तक पहुंच पा रही है क्लास आपकी स्टार्ट है सभी लोग एक बार बता दीजिए जल्दी से सभी, सभी लोग बताएंगे कि आवाज हमारी आप तक पहुंच पा रही है या फिर नहीं बताओ भाई सारे लोग बता देंगे एक बार आवाज हमारी पहुँच पा रही है आप तक या फिर नहीं पहुँच रही है और अगर आप आज पहुंच पा रही है तो एक बार भाई सभी लोग शेयर कर दीजिए जल्दी से सारे लोग एक बार शेयर कर देंगे अगर वॉइस हमारी आप तक पहुंच रही है तो फिर हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे बताइए भाई सभी लोग बता दीजिए एक बार जल्दी से बताइए सारे लोग कि वॉइस वग़ैरह हमारी क्लियर है आप तक जा पा रही है सही से आ रही है गुड मॉर्निंग भाई सभी को गुड मॉर्निंग चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट है ना सबसे पहला प्रश्न आपके सामने लाते हैं आप सभी लोग आंसर करिएगा पहला प्रश्न आपके सामने जो दिया गया है सबसे पहले तो आप देखिएगा प्रश्न है एक पेन को चालीस रुपए में बेचा गया तथा विक्रेता को नौ रुपए का लाभ हुआ उस पेन का मूल्य क्या है आपको ये बताना है बहुत सिंपल सा प्रश्न है आप आसानी से बता भी सकते हैं है ना सभी लोग बता दीजिए एक बार सेशन को सभी लोग शेयर कर देंगे जल्दी से और बता देंगे कि आंसर क्या रहने वाला है बताइए भाई क्वेश्चन है एक पेन को चालीस रुपए में बेचा गया तथा विक्रेता को नौ रुपए का लाभ हुआ उस पेन का मूल्य क्या है आप बताएं तो सभी को फार्मूले तो पता ही होंगे क्यों भैया सभी को फार्मूले तो पता ही होंगे ऐसा कोई नहीं होगा जिसको फार्मूला ना पता हो अगर हम फार्मूले की बात करें तो क्रैमूल इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है एक तो आपका होता है विक्रमूल माइनस के लाभ है ना जब आपको लाभ हो रहा होगा तो आप माइनस कर देंगे एक क्रमूल इक्वल टू होता है विक्रमूल प्लस का लाभ ये किस स्थिति में करते हैं जब हानि हो रही होती है तब करते हैं विक्रमूल प्लस लाभ तब कर देते हैं सॉरी विक्रमूल प्लस हानि कर देते हैं लाभ नहीं लाभ कहाँ होगा हानि होगी तब प्लस करेंगे है ना विक्रमूल प्लस हानि यहाँ पर हानि कर लीजिए यहाँ पर क्या कर लीजिए हानि कर लीजिए लाभ नहीं होता ये होता है हानि तो ये आपके दो फार्मूले होते हैं अगर हम आपसे बात करें मूल्य की तो ये दो फार्मूले अगर हम आपसे बात कर दें कि सर लाभ प्रतिशत इक्वल टू क्या होता है तो लाभ बटे क्रमूल्य गुणे सौ लाभ और हानि हमेशा मूल्य पर ही होती है इस चीज को याद रखेंगे अगर हम आपसे कह दें कि हानि प्रतिशत इक्वल टू क्या होता है तो हानि बटे क्रमूल गुणे सौ लाभ भी क्रैमूल पर होगा हानि भी क्रैमूल्य पर ही होगी तो आपको ये चीज याद रखनी है कि लाभ और हानि किस पर होते हैं सदैव क्रमूल्य पर होते हैं लाभ भी क्रमूल्य पर होता है हानि भी क्रमूल्य पर ही होती है ठीक है भाई तो लाभ और हानि आपके कितने हो जाएंगे लाभ हो जाएगा लाभ बटे क्रमूल्य गुणे सौ हानि हो जाएगी हाँ क्रय मूल्य गुणे सौ तो ये दो फार्मूले आप सभी चार फार्मूले ये हो गए एक आपका होता है अगर आपसे पूछा जाए कि लाभ बराबर क्या होता है तो आप मूल्य माइनस मूल्य कर देंगे वो आपका क्या होता है लाभ होता है क्योंकि आप ये बताइए लाभ कब होगा जितने की चीज हम बेच रहे होंगे और जितने की हमने खरीदी होगी उसको अगर हम माइनस कर देंगे तो हमें लाभ पता चलेगा कि हम खरीद के लाए थे सौ रुपए की बेची हमने एक सौ बीस रुपए की तो एक सौ बीस से सौ माइनस करेंगे तभी लाभ आएगा दूसरी स्थिति में ये तो आपका लाभ हो गया अगर हम हानि की बात करें हानि कब होगी जब हमारा क्रय मूल्य ज्यादा होगा और विक्रय मूल्य कम होगा बात समझ में आई भैया अगर हम खरीद के पाँच सौ की लाए बेच चार सौ की दे दें तो हमें क्या हो जाएगा हानि हो जाएगी अब यहाँ पर कह रहा है कि एक पेन को चालीस रुपए में बेचा गया था विक्रेता को नौ रुपये का लाभ हुआ उसका उसके पेन का क्रय क्या था अब आपको सर क्रय मूल्य बताना है आप ये बताइए क्रमूल्य बताने के लिए लाभ के पास कितना है चालीस लाभ कितना आप कमा रहे हैं नौ रुपये का तो क्रमूल्य आप निकाल लेंगे इस वाले फार्मूले से बताओ किसी को कोई दिक्कत हो ये फार्मूले आप सभी को याद रखने गुड मॉर्निंग अब देखो सवाल में आपको क्या कह रहा है कि क्रमूल पूछ रहा है विक्रमूल दिया गया लाभ दिया गया विक्रमूल्य आपका चालीस है लाभ आपका नौ रुपये है तो क्रमूल्य कितना आ जाएगा इकतीस रुपए ओनली बताओ अगर किसी को भी कोई दिक्कत हुई हो आंशर कितना आ जाएगा इकतीस रुपया आपका आंसर हो जाएगा अगर किसी को भी कोई दिक्कत हो तो बताए और अगर दिक्कत नहीं है तो फिर आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेकिन ये फार्मूले जो हमने लिख दिए आपके सामने इन फार्मूलों को आप सभी लोग याद रखना कभी कभी क्या होता है कि शॉर्ट फार्म में भी चलते हैं तो हम आपको वो भी बता दें अगर क्रय मूल्य का शॉर्ट फार्म देखें तो सी होता है कास्ट प्राइस अगर विक्रय मूल्य का हम शॉर्ट फॉर्म देखें तो एस होता है सेलिंग प्राइस लाभ का अगर शॉर्ट फॉर्म देखें तो पी होता है यानी कि प्रॉफिट हानि का अगर शॉर्ट फॉर्म देखें तो एल होता है यानी लॉस मतलब घाटा तो ये आपके होते हैं बट्टा की जब हम बात करते हैं बट्टा होता है डिस्काउंट क्या होता है बट्टा की बात करेंगे तो डी बना सकते हैं डिस्काउंट के लिए तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखने हो सी पी एस पी पी एल डी तो ये सारी चीजें भी आप याद रखेंगे ठीक है भाई गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग एक बार सेशन शेयर कर दीजिए बहुत सिंपल से क्वेश्चन है आज पहला चैप्टर है एक मेज को एक सौ पच्चीस रुपए में बेचने के बाद भी की हानि होती है उसका क्रय मूल्य क्या है अब देखो हानि हो रही है तीस रुपए की अगर आपने कोई मेज खरीदी है जिस मेज को आपने एक सौ पच्चीस रुपया का बेच दिया एक सौ पच्चीस रुपया का बेचने के बाद हमको तीस रुपया का घाटा पड़ गया तो वो चीज कितने की थी हमको कितने की बेचनी चाहिए थी जिससे कि हमको घाटा ना पड़ता हाँ तो आप ये बताइए कि एक मेज जो है उसको 125 में बेचा गया मूल्य भैया कितना है आप बताओ एक रुपया है ठीक है अब तीस रुपए की हानि हो गई हानि कितने की लॉस कितने का हुआ तीस रुपया का लॉस हो गया अब भैया आपसे कह रहा हूँ उसका मूल्य क्या है तो आपको पता है जब हानि हो रही हो तब मूल्य निकालना हो तो भैया होता है मूल्य प्लस का हानि ये आपका फार्मूला होता है क्रैमूल इक्वल टू जस्ट अभी लिखा था भैया बिक्रमूल कितना है 125 है पच्चीस है कितनी है 30 है क्रमूल कितना आ जाएगा 155 आ जाएगा यानी कि सीपी आपका कितना आ गया 155 आ गया बताओ अगर किसी को भी कोई दिक्कत हुई हो क्वेश्चन को लगाने में भैया पैंसठ का आएगा ये बताओ पैसठ क्यों आएगा 155 आंसर आएगा कितना आएगा एक सौ पचपन आंसर आ जाएगा बताओ अगर किसी को भी कोई दिक्कत हुई हो तो बता दे कि सर जी हमका ये दिक्कत है बताओ अगर किसी को भी कोई दिक्कत आई हो तो बताइए भाई और अगर कोई दिक्कत नहीं आई है तो फिर इससे अच्छी क्या बात हो सकती है पहली बात तो दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए क्योंकि बहुत सिंपल सा प्रश्न था है ना अगले प्रश्न पे चलते हैं अगला प्रश्न नंबर तीन क्या है आप लोग देखिएगा प्रश्न नंबर तीन है एक रेडियो को पांच सौ रुपए में खरीद कर उसको छह सौ पचास रुपए में बेच दिया जाता है को कितने रुपए का लाभ हुआ देखो आज सेशन का शुरुआत है हाँ माइनस कर दिया था और बहुत सिंपल से सवाल हैं ये सवाल हर कोई लगा सकता है किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए है ना क्वेश्चन को लगाने में किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए क्वेश्चन आपके सामने एक रेडियो को पाँच सौ रुपए में खरीद कर उसे छः सौ पचास रुपये में बेच दिया गया विक्रेता को कितने रुपये लाभ हुआ तो हर किसी को पता होगा भैया लाभ इक्वल टू फार्मूला क्या होता है जितने चीज का बिचार सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस यानी सी पी माइनस एस पी होता है पी इज इक्वल टू बात समझ में आई अब भैया बताओ सेलिंग प्राइस कितना है तो आप कहेंगे सर छः सौ पचास कास्ट प्राइस कितना है सर आप कहेंगे पाँच सौ रुपया छः सौ पचास से पाँच सौ जाएगा कितना बचेगा एक सौ पचास रुपया भैया प्रॉफिट कितना हुआ एक सौ पचास रुपया का प्रॉफिट हो गया बताओ अगर किसी को कोई दिक्कत आंसर इसका तो सीधा सीधा ही आ रहा था मुँह जबानी भी आप बता सकते थे एक सौ पचास रुपया आंसर आएगा ठीक है चलो अगला प्रश्न पे चलते हैं प्रश्न एक कैलकुलेटर को दो रुपए में खरीद कर एक रुपए में बेच दिया गया विक्रेता को कितने रुपए की हानि हुई और एक आप ये भी बता देना कितने प्रतिशत की हानि हुई दोनों चीजें रुपए बताइए और प्रतिशत भी बताइए इसका कि प्रतिशत क्या रहेगा कितने प्रतिशत की हानि हो गई ये भी बताइए बताओ जितने प्रतिशत की हानि हुई है वो भी बताना है और आपको हानि भी बतानी है क्योंकि इसका अभी आगे क्वेश्चन आएगा उसमें ये पूछा जाएगा कि क्वेश्चन नंबर चार में कितने प्रतिशत की हानि हुई तो इसलिए आप अभी बता दीजिए तब ना लगाना पड़े हाँ चालीस की हानि तो हो गई क्योंकि दो सौ रुपये में ख़रीदा है सीपी कितना है दो सौ है और इसके बाद में एसपी कितना है एक सौ साठ है तो भैया आपको लॉस कितना हो गया दो सौ माइनस एक सौ साठ इज इक्वल टू चालीस रुपया का लॉस हो गया लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कितने प्रतिशत का लॉस हुआ लॉस परसेंट इज इक्वल टू भैया बताइए कितने प्रतिशत का लॉस हुआ तो आप आंसर क्या करेंगे ये बताइए प्रतिशत बताइए एक बार की कि कितने प्रतिशत का घाटा हुआ है दो सौ माइनस एक सौ साठ आपने चालीस रुपए तो निकाल लिए सर लेकिन प्रतिशत अगर आपसे सर पूछ लिया जाएगा तो फिर आपका आंसर क्या रहेगा देखो रुपया का घाटा हो रहा है बटे में हमेशा कॉस्ट प्राइस ही रहता है सीपी हमारा कितना है 200 है तो 40/200 करेंगे गुणे में आप 100 करेंगे दो जीरो से दो जीरो कट गए दो से 40 को काटेंगे 20 दूनी 40 आंसर सर कितना आ जाएगा 20% आंसर आ जाएगा बताओ सर किसी को कोई दिक्कत आंसर कितना हो जाएगा 20 प्रतिशत आंसर हो जाएगा अगर किसी को भी कोई दिक्कत हुई हो तो बता दीजिए अगले प्रश्न पे चलते हैं प्रश्न अगला क्या है इसमें देखो कहा गया ना प्रश्न नंबर तीन में विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ हुआ यानी प्रश्न नंबर तीन में लाभ भी पूछा जा रहा है बताओ ये तीन आपके सामने है इसमें आपसे कह रहा है कितना परसेंट लाभ हुआ आपको लाभ प्रतिशत भी बताना है बताओ जरा सभी लोग बताओ इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा हाँ इसका लाभ प्रतिशत कितना होगा और देखो जिसका भी गणित कमजोर है और अगर आपको गणित पढ़ना है तो डेली ये दस बजे क्लास चलेगी दस बज के पंद्रह मिनट पर आपको डेली उपस्थित होना होगा ठीक है दस पंद्रह पर ये क्लास डेली चलेगी और आपको डेली उपस्थित होना होगा बताइए सर एक रेडियो को पाँच सौ में खरीद कर छः सौ पचास में बेच दिया गया था तो विक्रेता को कितने रुपए का लाभ हुआ ये तो निकाल लिया था लेकिन कितने प्रतिशत का लाभ हुआ तो बताइए भैया आपको पता है कि जितने का लाभ हुआ उसको ऊपर बटे में इसका क्रेमूल कितना है जितने की चीज़ खरीदी जाती है पाँच सौ क्रेमूल्य हो गया गुणे में सौ हो जाएगा भैया दो जीरो से दो जीरो कटे पांच से काटेंगे यानी भैया तीस, तीस परसेंट आ जाएगा कितना आएगा आएगा हर किसी का आ भी गया होगा आंसर जो रहेगा कितना रहेगा तीस परसेंट आंसर रहेगा बताओ अगर किसी को कोई दिक्कत हुई हो तीस प्रतिशत आंसर निकालने में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आई होगी आंसर को निकालने में बताइए बताइए भाई किसी को कोई दिक्कत परेशानी चलिए सर अगले प्रश्न पे चलते हैं अगला प्रश्न क्या है अगला प्रश्न बहुत अच्छा दिया गया ऐसा प्रश्न आपको बहुत ज्यादा दिक्कत करता होगा जब 12 वस्तुओं का क्रयमूल सोलह वस्तुओं के मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत हानि क्या है आपको प्रतिशत हानि बतानी है बहुत सिंपल सा सवाल है भैया हानि हो रही है आपको पता हो गया कि यहाँ पर हानि हो रही है जब आपको इतना क्लियर हो जाए कि हमको हानि हो रही है तो कम वाला मूल्य होगा तभी तो हानि होगी आप बताओ हानि कब होगी जब कम वाला मूल्य ज्यादा वाला मूल्य होगा तभी तो हानि होगी अब आप यहाँ पर देखिए कितने की हानि हो रही है बारह वस्तुओं का मूल्य सोलह वस्तुओं के मूल्य के बराबर है तो मूल्य जो बारह वस्तुओं का है वो सोलह के बराबर तक का था जितने की हमने सोलह बेच दी तो सोलह क्या हो गया मूल्य बारह क्या हो गया मूल्य हानि कितने की हो गई देख लो आप और आंसर बता दीजिए तो बारह और चार सोलह में हानि कितने की हो रही चार की जितने की हानि हो रही होती है उसको ऊपर जितने से हो रही होती है उसको नीचे क्योंकि क्रेमूल्य नीचे आता है भाई क्रेमूल्य जब ज़्यादा होगा बिक्रेमूल्य कम होगा तभी हानि होगी तो भैया क्रेमूल्य आपने नीचे रख लिया गुणे में आप कर देंगे सौ भैया काट देंगे चार चौके सोलह चार से काट देंगे पच्चीस चौके सौ आंसर कितना आ जाएगा सर ट्वेंटी फाइव परसेंट की हानि होगी बताओ अगर किसी को भी कोई दिक्कत आई हो भाई रुचि जी सी की तैयारी करनी है अरे भैया आपके सीटेट में लॉस आएगा ना मैथ आएगा ना तो ये मैथ की ही तो क्लास चल रही है क्वेश्चन आपको मैथ के भी तो करने हैं और वो पंद्रह क्वेश्चन मैथ के कहाँ से तैयार करोगे ये क्लास उसी के लिए तो है बताओ भाई जब कभी पैडागोजी की भी क्लास होगी और आपको मैथ भी तो तैयार करना है भाई पंद्रह क्वेश्चन मैथ के भी आएंगे तो आप काहे की तैयारी करने जाओगी सीटेट की करने जाओगी तो मैथ पढ़ोगी अगर तो मैथ यहाँ भी पढ़ लीजिए बताइए भाई आप लोगों को कौन समझाए सी टेट की तैयारी करने जा रहे अरे भैया गणित नहीं आएगी क्या सी टेट में पंद्रह क्वेश्चन आएंगे धुआं छूट जाएगा हर एक्सरसाइज से एक प्रश्न होगा जब 25 वस्तुओं का मूल्य बीस वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ क्या है आपको ये बताना है सभी लोग बता दीजिए सर प्रतिशत लाभ क्या होगा? बताइए जब 25 वस्तुओं का क्रयमूल बीस वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ क्या है अब आपको पता हो गया कि यहाँ पर भैया लाभ की बात कर रहा है काय की कर रहा है लाभ की हाँ सर बहुत अच्छी क्लास चल रही है वही तो बता रहे रुचि जी कह रहे हैं सर सी की तैयारी करने जा रहे हैं और भैया सी में पंदा क्वेश्चन गणित के कौन करेगा तुम्हे को करने हैं और जब तुम्हे को करने हैं फिर ये पढ़ेगा कौन तुम्हारे लिए तो क्लास ही चला रहे कि आपके जो पंदा क्वेश्चन आए वो सही हो जाए हर एक्सरसाइज से एक प्रश्न आएगा तो आ, ये आज प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं एक प्रश्न इससे आएगा तो जब आप पढ़ेंगे तभी तो वहाँ सही कर पाएंगे बताओ चलो भाई अब देखो यहाँ पर जब लाभ हो हमने आपको एक तरीका क्या बताया जब लाभ होगा तो बड़ी वाली संख्या क्या होगी मूल्य होगी छोटी वाली संख्या क्या होगी मूल्य होगी बताओ कोई दिक्कत कितनी अच्छी ट्रिक और जब हानि होगी तो बड़ी संख्या मूल्य छोटी संख्या विक्रमूल जब लाभ होगा तो बड़ी संख्या मूल्य छोटी संख्या क्रयमूल भैया दोनों में अंतर कितने का पांच का जितना अंतर उतना ही लाभ हो रहा बटे में क्रैमूल कितना बीस गुड़े में क्या करेंगे सौ पन कितना होगा सौ होगा पांच पंचे कितना होगा पच्चीस इसका भी आंसर कितना आएगा पच्चीस परसेंट ही आंसर आ जाएगा बताओ भाई चलो भैया आंसर कितना आ गया इसका भी पच्चीस परसेंट ही आ गया बताइए सभी के समझ में आ गया ना अब तो किसी को कोई दिक्कत नहीं अगर ऐसा प्रश्न आ जाएगा तो सारे लोग कर पाएंगे आगे चलो भैया नेक्स्ट प्रश्न क्या है थोड़ा अगर साफ ना दिख रहा हो तो हम पढ़ दे रहे हैं वैसे तो साफ दिखेगा लेकिन अगर ना दिख रहा हो तो हम पढ़ रहे हैं चंद्रा ने दस परसेंट लाभ पर एक गाय को अरुण को दिया जिसने पांच परसेंट की हानि पर चंदन को दिया तथा चंदन ने 20 परसेंट के लाभ पर मोहन को बेच दिया यदि मोहन ने यह गाय बारह हजार रुपए में खरीदा तो चंद्रा ने उसे कितने रुपए में खरीदा था देखते हैं इसका आंसर कौन कौन बताता है थोड़ा डेंजर सवाल है लेकिन सवाल जितना सरल है उतना सरल सवाल आपको दुनिया में कहीं ना मिलेगा इसके जितना सवाल सरल कहीं ना मिलेगा अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो हम आपको एक तरीका बताएंगे जिस तरीके से आप आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं लेकिन आप पूरी क्लास में रहिए अभी आपको तरीका देखने को मिलेगा ऐसे तो आप देख के चक्कर आ जाता होगा ये लगता होगा कि सवाल कैसे लगेगा लेकिन जब तरीका बता देंगे आप कहेंगे सर इससे देखने में बड़ा था लेकिन इससे छोट सरल सवाल तो दुनिया में है ही ना बताइए हाँ समझो देखो हम बताते हैं ऐसा सवाल कभी भी मिल जाए उसको बेचा उसको हानि पर बेचा इसको लाभ पर बेचा ऐसा कभी भी मिले कुछ नहीं करना हमने मान लिया कि सौ रुपया की गाय थी अब चलते जाओ यहां से दस परसेंट लाभ पर बेचा तो इसी सौ में दस जोड़ दो एक सौ दस क्लियर हुआ इतना मल्टीप्लाई अब हमने कह दिया कि फिर इसके बाद में पांच परसेंट हानि पर तो भैया सौ फिर से लिख लो पांच परसेंट हानि अब हो गई तो सौ में पांच घटा देंगे हानि हो गई कितना पचानवे आगे कह दिया बीस परसेंट लाभ हो गया तो भैया अब सौ बटे सौ में बीस जोड़ देंगे एक सौ बीस आगे कह दिया कि टोटली रुपया इतने हैं बारह हजार पाँच सौ चालीस तो भैया बारह हजार पाँच सौ चालीस लिख लिया बताओ इससे सरल कहीं सवाल था क्या बताओ अब बताना इससे सरल सवाल आपको देखने में बड़ा लग रहा था लाभ हो तो सौ में जोड़ दो घट हानि हो तो सौ में घटा दो लाभ हो तो सौ में जोड़ दो हो गया ना सरल अब देखो एक जीरो से एक जीरो ये कटा इस जीरो से ये जीरो कट गया पूरा कट गया अब इसके बाद में अगर हम इसको ग्यारह से काटें तो इसको ग्यारह से काटो ग्यारह एकम ग्यारह एक बचा पंद्रह हुआ ग्यारह एकम ग्यारह चार बचा चौवालिस हुआ ग्यारह चौके चवालीस जीरो आ गया अब इसको सर जी हम चार से काटे चार तियो बारह इसको चार से काटे पच्चीस आ गया क्लियर है इसको सर पांच से काटे उन्नीस पना पचानवे इसको पांच से काट दे पांच पंचे पचीस हो गया क्लियर है उन्नीस से सर जी इसको काट दे उन्नीस छक्का एक सौ चौदह जीरो साठ आ गया सर जी तीन से इसको काट दें तीन दूनी छ बीस आ गया भैया ऊपर कितना बचा बीस पंच सौ ये मल्टीप्लाई पांच ये और बीस वो तो बीस पंच वो भी हो गया इक्वल टू आंसर कितना आ जाएगा 10000 आंसर आ गया बताओ भैया आंसर आ गया अब बताओ इससे सरल सवाल था क्या हमको नहीं आ रहा क्या आंसर बताओ अब बताइए इजी था सवाल कि नहीं था कितना सरल था 100 रुपया मान लो लाभ हो तो 100 में जोड़ दो 5% की हानि हुई तो घटा दिया 20% लाभ हुआ तो 100 में जोड़ दिया टोटली totally का गुणा कर लिया जितना था बस काट दो जैसे भी आप काट पाओ उसको आंसर आ गया ना अब तो किसी को कोई दिक्कत नहीं अब तो लग गया होगा कि सरल है तो अगर सरल लग गया हो तो अगले प्रश्न का आंसर बता दो रमन ने एक घड़ी 12 परसेंट हानि पर ब्रजेश को बेच दिया जो उसे 10 परसेंट के लाभ पर माधुरी को बेच दिया वह पंद्रह परसेंट हानि पर उस घड़ी को जयंती को बेच दिया यदि जयंती ने उसे आठ सौ बयासी दशमलव आठ जीरो रुपए में खरीदी तो रमन ने उसे कितने रुपए में खरीदा सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह एक प्रश्न है ये अब देखते हैं ये कौन कौन लगा देता है पूरा समझ नहीं आया भाई रुचि जी का नहीं समझ आया बाद में तो काटा पेड़ी थी और कांटा पैनी तो आप कर सकते थे अगर समझ में नहीं आए तो इसको समझो सेम क्वेश्चन हमने आपसे कहा कि मान लो टोटली सौ रुपया है अब बारह परसेंट हानि हो रही हानि जब हो तो सौ से घटा के लिखना लाभ जब हो तो इस सौ में जोड़ के नीचे लिखना अब हानि हो रही है तो बारह घटा देंगे अट्ठासी लिख लिए गुड़ा फिर से सौ लिखो अब आपसे कह रहा है दस परसेंट का लाभ हो रहा है तो अब ये जब लाभ हो रहा है तो सौ में दस जोड़ के लिखो एक सौ दस गुणा अब आगे फिर आपसे कह रहा है पंद्रह परसेंट हानि हो रही है तो सौ लिख लो हानि हो रही है तो पंद्रह घटा के लिखो सौ से पचासी अब कुछ हो नहीं रहा है टोटली वाला लिख लो आठ सौ बाईस दशमलव आठ जीरो बताओ अब तो सभी के समझ में आ गया होगा अब हम क्या करेंगे एक जीरो से एक जीरो कट करेंगे ये दशमलव हटाएंगे दो जीरो लगाएंगे दो जीरो से ये दो जीरो पूरे कट कर देंगे अब अभी क्या करेंगे देखो इसको पांच से काटेंगे सत्रह पना पचासी हो गया इसको पांच से काट दो पांच दूनी दस हो गया ये दो से पूरा काट दो चवालीस हो गया कितना हो जाएगा चवालीस हो जाएगा बताओ अभी ऊपर सौ है नीचे चवालीस दो से काट दो बाईस चार से काट दो ग्यारह हो जाएगा चार से काट दो तो पच्चीस आ जाएगा आ गया ना अब इसको हम ग्यारह से काटेंगे पूरा इसको ग्यारह सत्ते सत्तर कितना बचा पांच बाउन ग्यारह चौके चौवालीस कितना चौहत्तर सौ अस्सी आ गया इस ग्यारह से काट दो ग्यारह छंगा छाछ कितना बचा छाछठ चार चार आठ अट्ठासी ग्यारह आठ अट्ठासी जीरो हो गया अब सत्रह से काट दो सत्रह चौके अड़सठ चालीस आ गया पहलीस ये रहा सिर्फ पच्चीस यानी कितना बचा 25 गुड़े चालीस बचा तो भैया 25 चाकू सौ और एक जीरो आंसर कितना आ जाएगा एक हजार आ जाएगा बताओ आ गया ना बताओ कोई दिक्कत अब काटने के लिए इसको भैया धीरे धीरे आपको काटना पड़ेगा अगर आप काटना आ गया तो आपको समझ में आगे तो देखो अगर जो हमने लाइन पहले लिख दी थी वो लाइन जब आप लिख लेंगे तो फिर सवाल में क्या है गुणा भाग करना है वो तो आप लोग कर ही लेंगे क्योंकि जिसको सिंप्लीफिकेशन आता होगा वो गुणा भाग भी कर लेगा उसको कोई दिक्कत नहीं होगा अब अगर ऐसा प्रश्न मिल जाए तो कभी भी गलत नहीं होना चाहिए अब देखो दूसरा सवाल समझो नए तरीके का जब चार रुपए में पांच नींबू खरीद कर पांच रुपए में चार नींबू बेचे जाए तो प्रतिशत लाभ क्या होगा ये बड़ा लफड़ा है ये बड़ा आपको तंग करता होगा सवाल आज के बाद आपको जीवन में तंग नहीं करेगा देखना आपको ऐसी ट्रिक बताते हैं कि पूरा धुआं धुआं हो जाएगा सवाल एक बार बताओ यहाँ पर कह रहा है चार रुपया में पांच नींबू पांच नींबू खरीदे और पांच रुपया में चार नींबू खरीदे चार नींबू खरीदे तो भैया प्रतिशत लाभ क्या होगा आपको ये बताना है इससे सरल दुनिया में सवाल ना मिलेगा एक बार लगाओ फिर हम आपको एक ऐसे सवाल की ट्रिक बताएं कि मूल्य कैसे पहचाने और मूल्य कैसे पहचाने बताओ भाई सभी लोग चार रुपए में पांच नींबू पांच रुपए में चार नींबू अब देखो भैया चार चौके सोला करो पांच पंचे पच्चीस करो बताओ आप ये देखो चार चौके बाहर बाहर का गुणा सोलह ये क्या हो जाएगा क्रैमूल कम वाला क्रैमूल हो जाएगा पचम पचीस ज्यादा वाला बिक्रेमूल हो जाएगा बताओ इतनी बात समझ में आई बाहर बाहर का गुणा कर लो अंदर अंदर का अब हमको लाभ हो रहा है तो हमको पता है कि कम वाला क्रैमूल होगा ज्यादा वाला बिक्रमूल होगा सीधी सी बात भैया दोनों के बीच अंतर कितने का नौ का यानी नौ रुपए का लाभ हो रहा क्रैमूल कितना है सोलह है भैया भाग क्रैमूल से ही लगाते हैं गुड़े में कितना करेंगे सौ भैया लगाओ चार चौके सोला और पच्चीस चौके सौ पच्चीस नेमा दो सौ पच्चीस बटे में आपका कितना है चार है भैया चार का भाग लगाओ चार पंचे बीस दो बाईस पच्चीस हुआ चार छोबीस एक पच्चीस यानी छप्पन सही एक बट्टे कितना हो जाएगा चार परसेंट का लाभ हो रहा है बताइए भैया कोई दिक्कत छत्तीस परसेंट कैसे आएगा छत्तीस कहा बट्टे में करेंगे हमेशा बट्टे में क्रमूल्य आता है चाहे लाभ निकालें चाहे हानि निकालें लाभ निकालेंगे तब भी लाभ बटे क्रेमूल गुणे सौ हानि निकालेंगे तब भी हानि बटे क्रमूल्य गुणे सौ हर स्थिति परिस्थिति में नीचे मूल्य ही रहता है क्योंकि भैया छोटा आदमी हमेशा नीचे ही रहेगा सदैव छोटा आदमी नीचे ही रहेगा है ना लग गया ना सभी का अगले प्रश्न पे चलो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जब चार रुपए में तीन नींबू खरीद कर तीन रुपए में चार नींबू बेचे जाए तो प्रतिशत हानि क्या होगी अब इसमें हानि बतानी है तो इसमें हमको पता है सीधी सी बात है कि मूल्य ज्यादा होगा मूल्य कम होगा सुजीत भैया जब हमने आपको एक चीज बता दी हमेशा याद रखो जब लाभ हो तो मूल्य कम होगा जब हानि हो तो मूल्य ज्यादा होगा कोई दिक्कत भैया अंदर अंदर का गुणा कर लो बाहर बाहर का गुणा कर लो बाहर बाहर का गुणा, गुणा सोलह हो गया अंदर अंदर का गुणा नौ हो गया अब भैया जब हानि हो रही है तो क्रयमूल ज्यादा होगा क्या ज्यादा होगा मूल्य कम होगा भैया जब ज्यादा की खरीदेंगे कम की भैया तो तो सोलह नौ का अंतर कितना है सात सात रुपये की हानि हो रही किससे हानि होगी सदैव मूल्य से मूल्य कितना है सोलह गुणे कितना करेंगे सौ भैया काट दो चार चौके सोला पच्चीस चाकू सौ पच्चीस सत्ते कितना होता है एक सौ पचहत्तर और भाग कितने का लग रहा है चार का भैया लगा दो भाग चार चौके सोला एक बच्चा पंद्रह हुआ चार दियो बारह तीन पंद्रह तीन बट्टे चार तैतालीस सही तीन बट्टे चार परसेंट आंसर आ जाएगा बताओ किसी को कोई दिक्कत हो अब अब तो सभी का आंसर आ गया होगा किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं बताइए भाई सभी का आंसर आ गया किसी को कोई दिक्कत परेशानी हुई हो तो बता दीजिए बताओ भाई सर सीटेट के बाद मम्मी डाले हैं बट यही तक पर इतनी जल्दी कटा 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 पढ़ने की पास हो जाए सर क्या क्या पढ़ने पास हो जाए देखो भाई हम आपको वो भी बताएंगे कि आपको क्या पढ़ना है एक दो दिन में हमारे चैनल पर वीडियो मिलेगा जिसको देखने के बाद आधा सीटेट आप सही कर लेंगे मतलब आधे क्वेश्चन सीटेट में आप सही कर लेंगे लेकिन आप देखते ही कहाँ हैं है ना आप चैनल के साथ अपडेटेड रहिए जैसे ही वीडियो आए आपको जरूर जरूर देखना है ठीक है अगर आप देख लेंगे तो फिर आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी अगर नहीं देखेंगे तो दिक्कत आएगी है ना तो इसलिए आप जरूर देख लेना तो ये बताइए आज की क्लास सभी को कैसी लगी हमने आपको चार टाइप के प्रश्न बताए अगर आपने इन्हीं टाइपों के प्रश्नों को अच्छे से पढ़ा जाके देख लीजिए एक टाइप ये बताया दो टाइप हो गए एक टाइप आपको ये बताया तीन टाइप हो गए एक टाइप ये रहा आपका लास्ट में ये चार टाइप हो गए चार टाइप के हमने प्रश्न बताए अगर आप इन चारों टाइपों के प्रश्न करेंगे जाके तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी लेकिन आपको करना है किताब उठा के अगर आप नहीं करेंगे तो दिक्कत आएगी ही आएगी इसलिए आपको क्वेश्चन जरूर करने हैं जाके ठीक है क्लास को सभी लोग लाइक कर लेना जो लोग बाद में आए वो लोग भी लाइक कर लेना अपने सभी दोस्तों को भी बता देना जो भी दोस्त आपके तैयारी करते हैं जिनको गणित कठिन लगती है उनको लेके आइए दस बज के पंद्रह मिनट वाली क्लास में सिर्फ तीस मिनट हमारे साथ आप बने रहिए आपको हर चीज को सिखा देंगे हम बस तीस मिनट अपने ली, 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 इ, सिर्फ निकाल लीजिए ठीक है है ना हाँ डीएलएड में भी आते हैं ना तो अभी हम चलते हैं हाँ पढ़ते रहिए आप आराम से कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है सभी को बाय बाय टेक केयर जय हिंद वंदे मातरम हाँ फर्स्ट में भी आएंगे इस तरह के सवाल बिल्कुल सही है ठीक है भाई सभी को बाय बाय हाँ तो आप डेली क्लास में आते रहिए पढ़ते रहिए बस हमारा तो यही उद्देश्य है कि आप पढ़िए आप लोग अगर पढ़ते रहेंगे तो आपको एग्जाम में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी ठीक है हाँ बस ये है कि डेली आपको कंटिन्यू अपनी पढ़ाई जारी रखनी कभी भी गैप नहीं करना चाहिए बस जब कंटिन्यू पढ़ाई रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है